अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरी बांगड़ा फ्राई। तो देखिए, मैंने बांगड़ा मच्छी ले ली है। इस पर मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। आगे और पीछे दोनों साइड मैंने कट लगा लिए है। सबसे पहले इसको क्लीन करके अच्छे से वॉश करके फिर आपको कट लगा लेना है इस पर। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून भरकर तेज़ वाली मिर्ची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है मैंने। ये ड्राई मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सूखे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक लेमन का जूस ऐड करूँगी। एक छोटे साइज़ का लेमन का जूस ऐड कर दें आप इसमें, और इसको भी हमें मिक्स कर देना है। नींबू डालने से जो है फिश का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा थोड़ा ही करके आपको डालना है, क्योंकि एकदम पतला नहीं करना है मसाले को। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। एकदम ज़्यादा अगर आप पतला कर दोगे मसाले को तो फिश पर कोट नहीं होगा अच्छे से। इसे देखिए, इस तरीके से इतना हमको थिक रखना है मसाले को। अब हम मसाले को फिश पर अच्छे से लगा देंगे। और कट्स में भी आपको अच्छे से, कट्स के अंदर भी अच्छे से मसाले को फील करना है, तो अंदर तक मसाला जाएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में फिश। देखिए इस तरीके से अब हम सारी मच्छियों पर मसाले को लगा लेंगे। तो देखिए, सारी मच्छियों पर मैंने मसाले को लगा दिया है। अब 20 मिनट के लिए हमको इसको साइड में रख देना है मैरिनेट होने के लिए। तो 20 मिनट मैंने इसको मैरिनेट होने दिया है। ये मैंने रवा ले लिया है, सिर्फ रवा है, इसमें कुछ भी मैंने मिलाया नहीं है। अब रवे की हम कोटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से रवे को हमें हर तरफ डालना है और हल्का हल्का सा हाथों से प्रेस करना है। इससे रवा जो है चिपक जाएगा और बहुत ही कुरकुरी जो है फिश फ्राई हो जाती है रवा लगाने से। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें कोट कर लेना है। तो सारी फिश को मैंने रवे में कोट कर लिया है। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ऑयल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे और फ्लेम को हमें मीडियम करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो मच्छी हमारी जो अंदर तक कुक हो जाएगी और क्रिस्पी भी हो जाएगी। अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ऐसे तो फिश को फ्राई होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, फिश जल्दी से फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो देखिए एक साइड से अब हम इसको पकने देते हैं। तो एक साइड से फ्राई हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी कुरकुरी और कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। अब इसकी साइड को हम टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए आपको इसको फ्राई करना है। देखिए मैंने उलट पलट कर कोने कोने में हर साइड से इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कहीं से भी फिश कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार सी कुरकुरी और कितनी क्रिस्पी बांगड़ा फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार है ये टेस्ट में और बहुत ही कुरकुरी सी है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फुल वॉच करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन को याद से दबाएं। अल्लाह हाफिज़।